किसी ने सच ही कहा है, अगर जुनून और हौसले बुलंद हो तो चट्टान भी तोड़ना मुश्किल नहीं। कौशाम्बी की रहने वाली सुनीता सरोज ने अपने जुनून के दम पर कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। दरअसल सुनीता ने दुबई जूनियर एथलेटिक्स एशियाई अंडर 20 चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी के रूप में 5000 मीटर की रेस में अपना नाम दर्ज कराते हुए एक बार फिर विदेश की धरती पर अपना लोहा मनवाया है। बता दें कि सुनीता सरोज कौशाम्बी जिले के तहसील मचनपुर अंतर्गत बरई बंधवा मालीपुर महाराजगंज की रहने वाली है। जूनियर दुबई एथलेटिक्स एशियाई अंडर 20 चैंपियनशिप में उन्होंने 5000 मीटर की रेस में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। वहीं साल 2022 में सुनीता ने कुवैत में 3000 मीटर की रेस में दूसरा स्थान जीतकर देश का नाम रोशन किया था। इस बार एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 5000 मीटर में कांस्य पदक जीता है। ऐसे में सुनीता को जनपद वासियों की तरफ से आगे बढ़ते रहने और एक दिन ओलंपिक में प्रतिभाग करने की बधाई दी है। वहीं दुबई में कांस्य मेडल पद जीतकर देश का और जिले का नाम रोशन करने पर माता पिता और तमाम स्कूलों ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ से जीत के आई हूँ ब्रॉन्ज मेडल और अच्छा लग रहा मुझे, यहाँ पे मेरा स्वागत हुआ कौशाम्बी में। अच्छा, तो आगे क्या तैयारी रहेगी आपकी, गोल्ड कब तक उम्मीद है, कब तक लाएंगी आप गोल्ड? गोल्ड अभी 2026 में सीनियर कवर्ड होगा वर्ल्ड कप, उसकी तैयारी करूँगी, वहाँ गोल्ड लाना है। आपके अलावा अन्य और देश के लोग रहे होंगे, तो उन लोगों से आप मिली तो क्या कुछ सीखने को मिला? तो एक मेरे में जो फर्स्ट थी वो चाइना की लड़की थी, बहुत अच्छी थी, तो मैं भी सोची हूँ कि वैसा ही दौड़ूंगी, बहुत अच्छा दौड़ी, गोल्ड था उसका। 2022 में भी आपने सिल्वर मेडल जीता था और इस बार कांस्य मेडल, तो ये श्रेय किसको देना चाहती हैं आप? मैं अपने मम्मी पापा कोच को और हमारे यहाँ कौशाम्बी के सपोर्ट सर बहुत करते थे, डॉक्टर केशवानी सर हैं और नगर पालिका के सर है, हमारे एडिशनल सर हैं, 2024 में मतलब ट्रांसफर हो गया उनका, और अपने कोच को देना चाहिए। मेहनत करनी पड़ी बेटा इसको आपको अचीव करने के लिए? बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2023 में मेरा परफॉर्मेंस नहीं आया कहीं, 2024 में जाके आया सर के पास ट्रेनिंग की, तब जाके हुआ। कहाँ से आपने ये ट्रेनिंग की? घर से ही, स्टार्टिंग से घर से, फिर लखनऊ हॉस्टल में रहती थी, उसके बाद फिर 2023 में नहीं हो पाया मेरी प्रैक्टिस, तो फिर 2024 में संदीप सर कोच के पास गई अपने यहाँ कौशाम्बी में, यहाँ से ट्रेनिंग की, तब यहाँ तक आ पाया। आपके जो परिवार है गरीब परिवार, ऐसे में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, तो कैसे वो समस्या समाधान हुई? मैं कौशाम्बी में रूम लेके रहती थी टेमा स्टेडियम के पास, तो मेरे नगर पालिका के अध्यक्ष है, उन्होंने रूम का किराया देते थे, और हमारे एसपी सर थे तो सपोर्ट करते थे, डॉक्टर केशवानी सर है ये भी सपोर्ट करते थे, खेलने जाती थी कहीं तो पैसे वैसे सब कुछ सपोर्ट करते। अभी जब आप जा रही थी तो आपको टिकट भी दिलाया गया था, तो वो टिकट में कौन कौन से लोगों ने, फ्लाइट का टिकट कैसा कैसा ही होता? सर वो तो काफ़ी लोग मिल के दिए थे, मैंने सर से बोला अपने कोच साहब से, फिर डॉक्टर केशवानी सर से बोला, तो इन्होंने करवाया।